हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल में पी के नदान में। और ये देखिए होंडा की अभी जो लॉन्च हुई ड्यू 125 cc, पहले ही सेगमेंट में आपको जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें जो चेंज किए गए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो मफलर है, इसका जो साइलेंसर है, यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 200 रख दिए गए और ये अलॉय व्हील के साथ हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है LED आप देख सकते हैं, डिजिटल मीटर दिया गया है। और इसमें जो लॉक पहले की तरह जो 6G में लॉक आता है, यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरह का लॉक दिया गया है। और यहाँ अंडर स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसकी अंडर स्टोरेज स्पेस है जो इसके मिरर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सीट थोड़ी सी जो है छोटी कर दी गई। और यहाँ पर इसकी मेन लाइट देख सकते हैं वैसी है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हैंडल है, कुछ इस तरह से इसको बनाया गया है कि इसको इसे स्पोर्ट्स लुक दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर मीटर में यहाँ पर इसकी सेटिंग के लिए जहाँ स्विच दिया गया है। और यहाँ पर इको का निशान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ इंडिकेटर के लिए यहाँ अलग से दिया गया है सिस्टम। और छोटा सा यहाँ पर मीटर अलग दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही यहाँ पर इसको स्पोर्ट्स लुक देने के लिए इसके मगराड़ को स्पोर्टी ना आप देखते हैं स्पोर्ट्स बनाया गया यहाँ पर, जहाँ इसको लाइट दी गई साइड पर, ठीक है। और ये अभी जो है लॉन्च हुआ है, सीधा ही हम गाड़ी यहाँ से अभी आई है तो सीधा ही आपको जो है इसकी वीडियो जो मैं आपको लेकर आया हूँ कि आप इसको ख़रीदने से पहले आप इसको अच्छे से देख लें। और यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर अलग से इसको शेप यहाँ पर दी गई है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर देखें तो यहाँ पर हमको जो इंडिकेटर है बल्ब वाला ही यहाँ इंडिकेटर दिया गया है। और LED लाइट दी गई है, हेडलाइट जो है LED दी गई है। और इंडिकेटर आप देख सकते हैं जमर है जोन की जो है दिया गया है। और यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर जैसे 6G में आता है वैसा ही फ्रेम दिया गया है। और यहाँ पर होंडा की बैचिंग। और यहाँ पर आप इसकी बैक को देखें तो यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक दिया गया है। मैं इसको खोल कर आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका फ्यूल टैंक बहुत ही बढ़िया जो देखने में लग रहा है। और यहाँ पर इसकी बैक लाइट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे से आपको दिखाता हूँ, स्पोर्ट्स लुक दी गई है इसकी बैक लाइट को भी। ये यहाँ पर आप देखें, मैं आपसे घुमा कर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, जैसे ग्रेजिया में लाइट होती थी लेकिन इसको थोड़ा सा इसकी लुक को बदला गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर वाइट इंडिकेटर दिए गए और यहाँ छोटी सी लाइट भी दी गई है। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मगराड़ आप देखते हैं, मगराड़ को भी थोड़ा चौड़ा सा करें। और यहाँ पर साइलेंसर को देखें, साइलेंसर के लुक को देखें तो आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स लुक की तरह छोटा सा साइलेंसर बनाया गया है जो इस गाड़ी के हिसाब से इसको सूट करता है। उसके बाद आप बैक देखें तो यहाँ पर बैक शोकर जो है रेड कलर का दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर स्टैंड में यहाँ पर सेंसर दिया गया है जो इंजन टिल स्विच का काम करता है, आप स्टैंड लगा दो ये गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। दोस्तों अभी जो है मैंने आपको जो इसका जो रेड वेरिएंट दिखाया, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ग्रे मैट वेरिएंट है, ये भी बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है। और ये वेरिएंट मुझे जो है रेड से ज़्यादा बेटर दिख रहा है और सोना लग रहा है, जैसे हम बोल सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कलर। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी छोटी सी LED लाइट दी गई है वाइजर में। और जिस स्क्रीन दी गई अलग से, जैसे 125 cc एक्टिवा में आती थी, ठीक है। और साइड से मैं आपको इसका पूरी फुल दिखाता हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं होंडा की बैचिंग आती है साइड पर। और बैटरी यहाँ पर इसके नीचे जो है इसकी बैटरी दी गई है, मैं आपको बता दूँ वैसे तो एक्टिवा 125 को ज़्यादा पसंद कम करते हैं लोग, एक्टिवा 6G जो है ज़्यादा जो है सेल होती है हम देखें तो, क्योंकि उसको 110 cc में जो एवरेज की जो है बहुत बढ़िया मिल जाती है। लेकिन जैसे BS6 मॉडल होंडा ने लॉन्च किया तो एवरेज जो है सेम ही 125 में और 110 में सेम एवरेज ही जो है हम देख सकते हैं, 60 के माइलेज जो सभी जो स्कूटर दे जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको वाइजर को कुछ इस तरह से हम देखें तो पहले जो ग्रेजिया में जो वाइजर आता था कुछ उस तरह से इसके वाइजर को बनाया गया है। हम देखें तो पहले 110 cc में जो है होंडा ड्यू आती थी, लेकिन अभी 125 में यहाँ पर
आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर लोगो भी दिया गया है होंडा ड्यू का 125। दोस्तों अब ये इसका जो है ब्लैक ब्लू का वेरिएंट हम देख सकते हैं, 6G में जो न्यू कलर आया था भाई, यहाँ पर ड्यू में भी ये जो कलर आपको देखने को मिलेगा, ये कलर भी बहुत प्यारा कलर है। दूर से हम देखें तो ये ब्लैक कलर हमें दिखता है और पास देखें तो ये ब्लू कलर इस शेड में हमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके यहाँ पर जो बोतल वगैरह रखने के लिए यहाँ पर जगह भी दी गई है,